2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, ऐसे में मायावती का प्लान क्या है? मायावती ने रणनीति तैयार की है मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए, और ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। अब मायावती को आप देखें तो इस वक्त वो बिल्कुल साइलेंट है, चुप है, ज्यादा सार्वजनिक समारोह में नजर भी नहीं आती है, उनके प्रत्याशियों की लिस्ट भी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन अब मायावती मुस्लिम दलित गठजोड़ के जरिए अपना अस्तित्व कायम रखना चाहती हैं। इसी वजह से अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बंद दरवाजों में बातचीत जारी है। पहले खबरें आई थी कि AIMIM के साथ बातचीत चल रही है, कई दौर की वार्ता हुई भी, लेकिन अब राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के साथ मायावती की बातचीत जारी है। अब क्या ये मायावती के लिए विनिंग फॉर्मूला होगा? विनिंग मतलब कि 2019 से बेहतर प्रदर्शन। BSP अपना अस्तित्व इस वक्त बचाना चाहती है। लड़ाई जीत और हार की नहीं है, लड़ाई है अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाना। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, जिसका गठन बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद 2008 में हुआ था, और उसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर इस पार्टी ने 1.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। आप इसको इस तरीके से देखें कि जो ये राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल है, ये अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती आई है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, यानी कि अखिलेश का साथ दिया था। उस वक्त भी अगर हम आंकड़े देखें तो आजमगढ़ सीट में अच्छी खासी तादाद में इनको वोट मिले थे, यानी कि ये बताने की कोशिश की गई राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की तरफ से कि उनका अस्तित्व है, उनका भी जनाधार है और उनको वोट मिल रहे हैं। ऐसे में मायावती, ये जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उनका, वो है दलित। मायावती ये कहती आई हैं कि वो बड़ा दलित चेहरा है सूबे का, उन्होंने दलितों के लिए बहुत काम किया है और दलित वोट तो उनको मिलेंगे, ये वो मान के चलती हैं। दलित के साथ अगर मुस्लिम कॉम्बिनेशन जुड़ जाए, दलित मुस्लिम का गठजोड़, ये उनकी नैया को पार करवा देगा, ये मायावती की कोशिश है। और अभी जौनपुर और आजमगढ़ सीट, ये प्रमुख सीटें, इन दो सीटों पर बात चल रही है, हो सकता है औपचारिक ऐलान भी हो जाए। अब किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही हैं, क्या कम सीटों में मायावती प्रत्याशी उतारेंगी, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल उतारेगी, क्या इनका कॉम्बिनेशन रहता है, कितनी सीटों पर डील फाइनल होती है, कितनी सीटों पर सहमति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बताएं कि 2012 का विधानसभा चुनाव इस पार्टी ने लड़ा राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने, 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें, 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2022 का विधानसभा चुनाव हो, और आपको बताएं कि जो आजमगढ़ की दीदारगंज विधानसभा सीट है, 11,000 वोट इस पार्टी को राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल को मिले थे जब अखिलेश के पक्ष में आंधी थी मुस्लिम वोटों की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुस्लिम जो बिरादरी है, मुस्लिम वोट है, वो समाजवादी पार्टी के लिए भी अहम है, कांग्रेस के लिए भी अहम है और BSP के लिए तो है ही। लेकिन ये अगर गठबंधन होता है, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से BSP की बात बन जाती है, बात फाइनल हो जाती है, तो फिर ये सेंध लगाने होगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोटर्स के बीच में। अब इस तरीके से हम देखें, क्योंकि मायावती जो कि उत्तर प्रदेश की सत्ता उन्होंने संभाली है, उनको पूरा प्रशासनिक अनुभव है, लेकिन पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें तो एक तरीके से सुपड़ा साफ हुआ BSP का, लेकिन मायावती के बारे में कहा जाता है कि वो फिर से मैदान में वापसी करेंगी। जो राजनीतिक जानकार हैं वो दबी जुबान में ये बात कहते आए हैं, लेकिन इस बार जो ये मायावती प्लानिंग कर रही है AIMIM के साथ क्या है, उधर तो खबरें तो ये भी थी कि KCR से भी उनकी बातचीत हो रही है, KCR के साथ उनकी जो पार्टी है BRS, उसके साथ गठबंधन हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि कई राज्यों में विधानसभा चुनावों में मायावती की पार्टी BSP ने अपने प्रत्याशी उतारे। तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं, उसके बाद BSP अपने पत्ते खोलेगी, तस्वीर साफ होगी।